नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सी टी वी इंडिया न्यूज। हम इस समय दिखा रहे हैं आपको लाइव तस्वीरें गुलहरिया चीनी मिल से। यहाँ पे आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसानों के द्वारा जो है गेट के अंदर डल्लफ लाए जाते हैं, लेकिन मेन गेट में जो है एक ही डल्लफ और एक ही वाहन निकलेगा, लेकिन यहाँ पे एक साथ कई किसान दो दो तीन तीन ट्रैक्टर जो है एक साथ लेके आते हैं, जिससे यहाँ पे मिल का कोई भी नियम कानून नहीं लागू है। और यहाँ के जो है गुलहरिया चीनी मिल के कोई भी आला अधिकारी इस पे ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पे किसानों का चाहे वाहन टूटे या कुछ भी हो, चाहे काश्तकार यहाँ पे मरे कुछ भी हो, लेकिन उससे उनको मतलब कोई नहीं है। और लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाहनों को जो है मिल को चले हुए लमसम 4-5 महीने हो गए होंगे, तब इनको जो है एक साथ पर्ची नहीं काटते थे, महीनों तक किसानों के पास पर्ची नहीं पहुंचती थी। लेकिन अब जब मिल बंद होने के समय आया है तो यहाँ पे किसानों को एक साथ 4-4, 2-2 पर्चियाँ लगातार काटी जाती हैं, प्रतिदिन पर्ची जो है काटी जा रही है, जिससे यहाँ पे काश्तकार करें तो क्या करें, सुबह से लेके आते हैं 24-24 घंटे हो जाते हैं, तब घर पहुँचते हैं, उसके बाद भी तुरंत वो घर जाते हैं और उसके बाद में फिर तुरंत गन्ना भरते हैं, फिर मिल लेके आते हैं। लेकिन इससे पहले अगर जो आला अधिकारी यहाँ के देखते हो तो हो सकता है कि ये इतनी भीड़ यहाँ पे नहीं लगती और काश्तकारों के जो है वाहन यहाँ पे तोड़े नहीं जाते। तो आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे किसानों के जो है वाहन तोड़े जा रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ काश्तकार हैं, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे इतनी भीड़ कैसे क्या हुई और क्या समस्याएँ रहीं। पहले नाम बताओ। जय कुमार यादव। जय कुमार यादव। क्या समस्याएं रही जो इतनी भीड़? 6 बजे गए हैं वो वहाँ लग रहा है सेंटर के पास गुलहरिया पछुआ से। अच्छा अच्छा। अब तक आए ना तब हूँ, ट्रैक्टर में थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, टूट गया। अच्छा। हाँ। यहाँ पे कोई नियम है कुछ? टोकन दिन है और टोकन के बाद में जब बेड़ा लगा तब जो है वो बगैर बेड़ा वाले तुल अगर न तुलन होती तो बेड़ा कोई लगाई भी नहीं करती, कहीं ना अब जब आए गवा है तो तुलना तो है ही है भाई। टोकन कौन बात कर दिए रहो? कोई आला अधिकारी कोई भी अधिकारी देखने जाता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। टोकन दिया गया हम लोगों को, टोकन वाले जो है टोकन पीछे लाइन में लगे रहे बगैर टोकन वाले सब अंदर लेके रहे। तो जोगेंद्र से। कहाँ रहते हैं आप? माहू डांडा। अच्छा, ये बताओ यहाँ पे कोई नियम कानून कुछ? कोई नियम कोई कानून नहीं, से मिल के जो बड़ा काश्तकार है वो तो नील हो गया और जो छोटा काश्तकार बचा है गन्ना के लिए जो एकड़ 2 एकड़ वाले हैं उनकी इस पूरी सीजन निकल गए, अभी तक एक एक दो दो पर्ची आई। अच्छा। अब एक साथ में दो दो चार चार पर्ची दे रहे हैं, गन्ना लेके आएगा एक दिन लेके आया, 3 रोज यहाँ लगे हैं, तीसरे रोज वो घर गया फिर लेके आया फिर तीसरा रोज लग गया। अच्छा, इसमें तीन तीन वाहन क्यों जो अंदर लाए जा रहे हैं? वो मजबूरी काश्तकार के सामने किसी की पर्ची मरने वाली है, किसी की पर्ची दूसरी मरने वाली, एक लेके आ गया दूसरी मरने वाली है, वो तो यहाँ से खाली करके जाएगा तब दूसरी लेके आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ के काफ़ी ज़्यादा जो है किसान काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान है, क्योंकि यहाँ पे मिल कर्मचारियों की लापरवाही पहले से सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है पहले से इन काश्तकारों के पास पर्ची नहीं भेजी जा रही थी, अब अचानक इनके पास दो दो तीन तीन पर्चियाँ भेजी जा रही हैं, जिससे काश्तकार काफ़ी ज़्यादा परेशान। यहाँ पे 24-24 घंटे लग जाते हैं मिल में। वहाँ जाम लगी थी वस्तौली तक, अशोक यादव। अच्छा, क्या बता रहे? बस्तौली तक जाम लगी हुई है। अच्छा अच्छा। और आदमी सब परेशान, परसों का आदमी हमारे वहाँ गांव का है, अभी वो अंदर नहीं हो पाया। अच्छा, परसों से आए हैं अभी? हाँ, अभी अभी घर नहीं पहुंचा वो। अच्छा, हाँ, भूखे प्यासे सब यहाँ आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काश्तकार जो है भूखा प्यासा है, यहाँ पे बताओ परसों से यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन 24 घंटे बीत गए हैं तब भी यहाँ मिल गेट के अंदर नहीं प्रवेश हो पाया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है मिल कर्मचारियों की लापरवाही सामने आ रही है। तो आप देख सकते हैं गुलहरिया चीनी मिल, एक मिनट, आप देख सकते हैं कि गुलहरिया चीनी मिल के अंदर एक ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास ट्रैक्टर ना होने के कारण अपनी बैलगाड़ी से यहाँ पे गन्ना लेके आए हैं, लेकिन हो सकता है कि ये वापस ये कहाँ ले जाएंगे, आइए हम उनसे। रुक जाओ भाई, रुक जाओ एक मिनट। तो हमारे साथ यहाँ पे जो बैलगाड़ी के मालिक हैं, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि ये इनका गेट पे आके उसके बाद में ये कहाँ लिए जा रहे हैं। पहले नाम बताओ भाई। सुभाष। सुभाष, ये बताओ आप ये कहाँ लिए जा रहे हैं? ये वापस लिए जा रहे हैं क्या? ये तोले जाएगा नहीं तो क्या करेंगे? क्यों नहीं तोला जाएगा? ट्रैक्टर ट्राली में मर जाए तो क्या करे फायदा? भैंसे माल ले अपने, क्या करें बताओ? हैं, यहाँ सब जबरदस्ती चल रही है, एक भैंसा हमारा है। आप किसी अधिकारी से कहे कि हमारा डल्ला सबसे कहा? हम सबसे कहा नहीं, कोई नहीं सुनता हमारे। सब अधिकारी अंदर बैठे, कोई सुनने नहीं आया है। 7 बजे के सब यहाँ पे परेशान है, किसानों पे डंडे चलवाए
है या मिल वालों की देन है? हवा निकाल देते हैं, हवा निकाल दिए हैं कुछ लोग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बैलगाड़ी भाई लेके आए थे उनको बैलगाड़ी वापस की जाती है, क्योंकि यहाँ पे उनकी बैलगाड़ी नहीं तुली जाएगी। यहाँ पे जो है वाहनों ट्रैक्टर की जो बिसात नहीं है, तो इन बैलगाड़ी और इनके जो भैंसे हैं, हो सकता है इनको कोई ना कोई वाहन दाब दे जिससे इनकी मौत हो सकती है और इनके जानवर मर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्थिति है गुलहरिया चीनी मिल की, जिसमें छोटे काश्तकार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही, क्योंकि यहाँ पे जो आला अधिकारी हैं गुलहरिया चीनी मिल के, वो थोड़ा बहुत अगर जो ध्यान दें तो हो सकता है इनका डल्लभ तुल जाए। लेकिन ये पता नहीं कितनी दूर से लेके आए हैं और ये फिर वापस लेके जाएंगे, क्योंकि इनके में डीजल नहीं पड़ता है। इनको जानवर को यहीं पे जो बैलगाड़ी आती है जिसमें ट्रैक्टर डल्लफ आते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे किसानों के द्वारा यहाँ पे बेंगड़ा लगाया जाता है, और लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गेट में तीन तीन डल्लफ एक साथ घुर से जा रहे हैं, जिससे यहाँ पे किसानों के जो है वाहनों का नुकसान होता है, और उसके बाद भी यहाँ पे किसान नहीं मान रहे कि जिससे वो एक एक करके निकालें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे प्रावधान है, क्योंकि यहाँ पे लगातार बेड़ा चलाया जा रहा है किसानों के द्वारा। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं गुलहरिया चीनी मिल से, तो आप देख सकते हैं कि किसान किस तरह से यहाँ पे एक दूसरे के ट्रैक्टर जो है नोचने में लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये रात के समय में यहाँ पे जो है बेड़ा का प्रावधान ज़्यादा किया जाता है, जिससे किसानों के यहाँ पे डल्लफ और गन्ना इसी तरह से यहाँ पे नोचा जाता है, जिसमें किसान काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपने वाहनों को नुकसान भी पहुँचाते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे किसानों में किस तरह से यहाँ पे बेड़ा चलाया जा रहा है, जिससे यहाँ पे अफरा तफरी मची हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसानों के जो है बांध टूट भी जाते हैं, लेकिन तब भी यहाँ पे जो है किसानों के द्वारा बेड़ा ही चलाया जाता है, जिसमें एक दूसरे का ट्रैक्टर नोचने में जुटे हुए हैं। आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुलहरिया चीनी मिल में जितने भी काश्तकार हैं, सभी यहाँ गेट पे खड़े हुए हैं, जिससे यहाँ पे किसानों का जो है चलाया जा रहा है बेड़ा, उसमें देख रहे हैं एक एक गेट में, जिसमें एक ही ट्रैक्टर डल्लफ नहीं कर सकता है, उसमें दो दो तीन तीन बराबर लगाए जा रहे हैं, जिससे यहाँ पे Thank you.
तेल लगा लिया इसको, रुक जाओ ले आओ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रैक्टर वालों के द्वारा किस तरह से यहाँ पे जो लापरवाही दिखाई जा रही है, जिससे यहाँ पे बैलगाड़ी लेके आई काश्तकार आता है उसको वापस किया जाता है। छोड़ो 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 छोड़ो, नहीं,